है खास हर अंदाज। चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य घोषणा करते हैं कि सूर्य देव ही सभी ग्रहों में श्रेष्ठ। जिस प्रकार आज तुमने अपनी सभा में हमारा अपमान किया है, कल संपूर्ण संसार के समक्ष तुम्हें ये कहना होगा शनि देव श्रेष्ठ है। तुम्हें यहाँ तक हम लाए हैं राजन, ये उज्जैनी नहीं है अपितु तुम्हारे शत्रु राज्य है, तमल प्रदेश की भूमि है, और ये सब तुम्हारे उस निर्णय का परिणाम है राजन। हम तुम्हें अंतिम अवसर देते हैं राजन, अपना निर्णय बदल दो। या विक्रमादित्य, तो अभी भी समय है, अपना निर्णय बदल दो। हमारे लिए जीवन से अधिक सत्य महत्वपूर्ण है। तुमने मेरी पुत्री का हार चुराया, इसे तो राजा चंद्रभूर के पास ले जाना पड़ेगा। तुमने हमारे इस माथे पर ये निशान करवाया था और इसके दोनों हाथ पांव निष्क्रिय करके शिप्रा नदी में फेंक दो। राजन देखते हैं कि कब तक तुम अपनी सत्य निष्ठता को शनि के प्रकोप से बचा। विक्रम, तूने अपना निर्णय नहीं बदला तो तेरा जीवन नहीं बचेगा। शनिदेव, यदि आपको लगता है कि आप सूर्य देव से श्रेष्ठ, तो इस संसार से समाप्त हो रहे जीवन को ठीक कर दीजिए, हम अपना निर्णय बदल देंगे। विक्रम, तेरी मति भ्रष्ट हो गई है, तूने अपनी मृत्यु को बुलावा दे दिया है। राजा द्रुपद ने अपनी पुत्री की असीम सुंदरता को देख एक भव्य स्वयंवर का आयोजन किया और राजन पांचों पांडव द्रौपदी को लेकर अपनी माता कुंती के पास पहुंचे। माता, देखिए हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं। तुम जो कुछ भी लाए हो पांचों भाई आपस में बराबर बराबर बांट लो। द्रौपदी, जो पिछले जन्म में इंद्रायणी थी, जिसने अपने स्त्रीत्व की रक्षा के लिए इंद्र को त्याग दिया, इस रूप में क्यों मिले उसे पांच। चढ़ाने का दुस्साहस किसने किया? काल भैरव की क्रोधाग्नि से कोई नहीं बच सकता। ठहर जाइए काल भैरव। इतना बड़ा अपराध करके हमारे सम्मुख खड़े होने का दुस्साहस कर रहे हो तुम? महारानी के प्राण बचाने के लिए हमें जो भी करना होगा हम करेंगे। एक मार्ग है महाराज, यदि कोई काल भैरव देव को ब्रह्म हत्या दोष से मुक्ति दिला दे तो हो सकता है कि वो शांत हो जाए। प्रेम का त्याग से बहुत गहरा संबंध है। अब देखना ये है राजन कि तेरा अपनी पत्नी के प्रति प्रेम कितना प्रगाढ़ है। ये योगिनी अवश्य ही हमारे मार्ग में बाधा उत्पन्न करने आई है। ठहर जाओ अहंकारी मनुष्य, तुम पहले ऐसे मनुष्य हो जो इस ब्रह्म कुंड से ब्रह्मा का शीश लेके बाहर निकला है। जो हम योगिनियों के प्रेम को अस्वीकार करता है उनका केवल एक ही दंड होता है मनुष्य, मृत्यु दंड। सूर्योदय होने में केवल कुछ ही समय शेष है, हमें महारानी पद्मिनी के अंतिम संस्कार में और विलंब नहीं करना चाहिए। आज मैं तुझे कथा नहीं सुनाऊंगा, मैं तुझे आत्मकथा सुनाऊंगा। आज तू जानेगा बेताल कौन है, भद्रकाल कौन है। नहीं 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 बेताल, तुम विक्रम को कोई कथा नहीं सुना सकते। भद्रकाल, तुमने मुझसे छल किया है। बेताल, यदि तुम मेरा साथ दो तो मैं लोगों के जीवन में वो समय ही नहीं आने दूंगा जिसमें दुख हो। भद्रकाल, इस यज्ञ के प्रभाव से जीव जंतुओं की मृत्यु क्यों हो रही है? मैंने तय किया है कि अब मैं परमात्मा बनूंगा। जानते हो कैसे? इस यज्ञ में तुम्हारी आहुति देकर। मैं तुझे श्राप देता हूँ, तब तक मृत प्राय पड़ा रहेगा जब तक कोई रोहिणी और पुष्यक नक्षत्रों को एक साथ एक ही तीर से भेद न दे। मेरे द्वारा दिए गए श्राप को तूने खंडित कर दिया। सन्यासी, कौन छुपा आपके सन्यासी वेश के पीछे? भद्रकाल हूँ मैं, ना तेरा आत्म तत्व हूँ जिस पर तू अधिकार कर लेगा। अपनी इच्छा से मैंने चुना है
मेरा ये जीवन, ताकि मैं बन सकूं तेरे मृत्यु का कारण। मृत्यु? मेरी मृत्यु? मैं कोई साधारण मनुष्य नहीं हूं, क्या ये अभी तक तुम्हारी समझ में नहीं आया? पंच तत्वों को जीतने वाला पत्रकार हूं मैं। अरे अग्नि मुझे जला दे सकती, जल मुझे डुबो नहीं सकता, अरे तू तो क्या संसार में कोई भी मुझे मार नहीं सकता। अमर हूं मैं अमर हूं। पत्रकार, यदि तू मर नहीं सकता तो मैं तुझे जीवित रहने भी नहीं दूंगा। अपनी सभी संचित पुण्य शक्ति से ईश्वर प्रकृति और सभी पुण्यात्माओं को साक्षी मान सम्मान तुझे श्राप देता हूं। तू तब तक मृत प्राण पड़ा रहेगा जब तक कोई रोहिणी और पुष्यक नक्षत्रों को एक साथ एक तीर से भेद न दे। अपना वचन पूरा करने से मना नहीं किया सन्यासी, किंतु हमारी प्रजा, हमारे परिवार का क्या? ये लो राजन, तुम जाओ, जाकर अपनों को मृत्यु दे दो और तुम्हें उनका जीवन मिल जाएगा। क्या हुआ महाराज, इस समस्या का कोई हल निकला कि नहीं? महाराज, समस्या का हल तो निकला है महारानी, किंतु हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते इससे समस्या समाप्त होगी या और बढ़ेगी। हमने सारे गंदे काम छोड़ दिए हैं। वो सब तो ठीक है बेटे, लेकिन हमें ये सब बताने कहाँ आए हो? जब से हमने अच्छा काम करना शुरू करा हुआ है ना, तब से हमें ना भूखे मर रहे हैं भैया। आज जब तक हम जिंदा हैं और आप लोगों का कछु काम ना ही लग जाता है, सुबह शाम यहाँ आइए, हम आपको खाना खिलाएंगे। हाँ। बताओ ना कैसे है अमरे बापू, क्या क्या गुण है उनके अंदर? बस यही समझ लो कि बिल्कुल तुम्हारे बापू है। ये आदमी को इस तरह से बांध कर क्यों रखा गया? ये बेचारा नामर्द है ना। हमारे गांव की ये प्रथा है कि जिस महिला को बच्चे का सुख नहीं मिलता है, उसका बद्री बाबा की कुटिया में 3 दिन गुजारने पड़ते हैं, और ये 3 दिनों में बद्री बाबा उस महिला को बच्चा होने का आशीर्वाद दे देते हैं। बापू, इसका मतलब बापू हमारे गाँव में? बापू, हमरे बापू मिल गए। कहाँ है तेरे बापू? वो देखो हमरे बापू। एक्चुअली मैं खाने का बहुत शौकीन हूँ। मैंने सोचा था मेरी होने वाली बीवी कुकिंग में मास्टर हो। रियली सॉरी, मुझे खाना बनाने का कोई शौक नहीं है। तो हरीश बन्ना, कैसे लगे हमारी मीरा? मुझे मीरा पसंद है। प्रकृति के विपरीत धरती के रोम छिद्रों को बंद कर जल प्रलय लाने का षड्यंत्र करता है महाअसुर काल के। वर्षा का सारा जल धरती पर एकत्रित हो जाएगा, फिर आएगा जल प्रलय। ये जल साधारण जल नहीं है। इसका क्या अर्थ है गुरुदेव? किसी बहुत ही बलशाली असुर ने वरुण देव को पराजित करके जल तत् पर अधिकार कर लिया है, और अब वो जल तत् से कोई भी अनर्थ कर सकता है। बड़ी माँ तुम्हारे साथ थी? मगर अब नहीं है हमारे साथ, हमको नहीं पता वो कहाँ है। चाची जी, वो तोहफा आपने सबके सामने हमें दिया है और सबके सामने। ये बड़ी माँ की आवाज है। तुमने बड़ी माँ को और दादी को एक कमरे में बंद कर दिया? यस। क्या हुआ, क्या हो रहा है यार? जीजी और चाची क्या अंदर साथ में है? छोटी माँ, क्योंकि इस बेवकूफ ने उन दोनों को अंदर बंद कर दिया है। हम देते हैं। पहली थाली ससुर जी के नाम, हरिओम।